मैंने क्या ट्राई करा, एक स्ट्रेटेजी है जो कि सबको मैं बताऊंगा तो पक्का, कि मेरे को ना पहले एक डिवाइस दिला दो, मैंने टिप्स पता कर ली है, अब बस मैं यूट्यूबर बनूंगा, मेरे को एक इतने रुपए का कंप्यूटर चाहिए। तो सबसे पहले टिप ये है कि अगर आप आ रहे हो तो रेगुलर रहना पड़ेगा, ये सोच कर आना कि हाँ भाई डेली वीडियोस डालनी है, ये नहीं कि हाँ भाई आज मेरा टेस्ट है तो आज नहीं डालूंगा। अगर पढ़ाई पे वैसा चल रहा है, पढ़ाई भी जरूर, पढ़ाई पे फोकस करो, दोनों चीज़ पे बैलेंस करना पड़ेगा, दो नावों पे पैर रख रहे हो तो डूबने के भी चांसेस होते हैं, बट बैलेंस करना पड़ेगा। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको पढ़ाई भी साथ रखनी है, एक टाइम टेबल बनाना है। पहले टिप की एक स्कड्यूल आपका परफेक्ट होना चाहिए, इतनी देर से इतनी देर में स्कूल है, फिर ट्यूशन है, फिर साथ में इतनी देर पढ़ाई है, फिर उसके बाद जो बाकी टाइम है मैं फ्रेंड्स वगैरह के साथ एक आध घंटे खेलूंगा। फ्रेंड्स के साथ खेलना भी बहुत जरूरी है भाई, वरना भगा देंगे तुम्हें कि भाई तू अब नहीं आता, तेरे को कौन सा यूट्यूबर है। तो आपको फिर उसके बाद एक फ्री टाइम निकालना है कि हाँ भाई दिन के मेरे को 2 घंटे यूट्यूब को देने हैं। तो पहली चीज़ स्कड्यूल अच्छा होना चाहिए ताकि डेली वीडियोज़ अपलोड हो पाए। उसके बाद अगर क्या डालोगे, अगर आपको पैशन फॉलो कर रहे हो, जो आपका मन कर रहा है, अगर आप मान लो कोई वैलोरेंट है बहुत अच्छी खेल रहे हो तो वही डालो। अगर आप बहुत अच्छी खेल रहे हो मतलब कि धीरे धीरे भले ही ग्रो होगे, बट अगर कोई ना कोई तो देखो आपको देखेगा। अगर आप अच्छा गेम प्ले है, अट्रैक्टिव गेम प्ले आपका, लोगों को अच्छा लग रहा है तो नॉर्मली आएंगे। पर अगर आपको ये नहीं पता कि आपको कंटेंट क्या डालना है, तो सीधी सी बात है कुछ हट कर करो या कुछ बढ़ कर करो, मीन्स यूनिक करो। या फिर जैसे मैंने जैसा एग्जाम्पल दिया, आप वैलोरेंट खेल रहे हो, बंदा 10 किल निकाला, अगर आप 15 निकाल सकते हो तो वही करो, 15 किल वाला गेम प्ले डालो। अब नॉर्मल बंदा है, अगर आपको वो भी नहीं आता, तो यूनिक से मेरा मतलब है जैसे दुनिया अच्छे अच्छे गेम प्ले डाल रही है, फनी वीडियो बना रहे, तो आप उनसे एकदम हटकर फनी वीडियो बनाओ, कुछ नया ट्राई करो। तो क्या पता, क्योंकि सजेशन फिर आपकी यूट्यूब पे वीडियो, मतलब यूट्यूब तभी सजेशन कराएगा अगर आपकी कोई बंदा वीडियो देखेगा अच्छी होगी तो। बाकी तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे यूट्यूब पर अगर आ रहे हो तो मेन ना हमें स्टार्टिंग में ना उसकी ध्यान रखना होता है रिटेंशन का, कि आपकी वीडियोस बंदे कितनी देर तक देख रहे हैं। आपने 10 मिनट की वीडियो डाली है, अगर आपकी वीडियो बंदा 1 मिनट देख रहा है या 2 मिनट देखकर बंद कर दे रहा है, तो सीधी सी बात है आपकी वीडियो यूट्यूब आगे सजेस्ट नहीं कराएगा। तो आपने वीडियोस भले ही स्टार्टिंग में ना स्टार्टिंग में थोड़ी छोटी वीडियो बनानी है, ताकि अगर बंदा आ रहा है 5 मिनट की वीडियो, आपकी 2 मिनट भी देख लेगा ना, तो यूट्यूब आपकी वीडियो आगे सजेस्ट कराएगा, एक नए बंदे को दिखाएगा कि देख भाई, अपने आप ही वो सजेस्ट कराएगा, चाहे उसने सब्सक्राइब करा हो या ना करा हो। एक बंदे को कराएगा, उसने भी खोल के 3 मिनट देख ली तो 2 बंदों को कराएगा। ऐसा मैं 100% तो नहीं कह रहा कि यूट्यूब की यही एल्गोरिथम है, बट जब तक मैं अभी तक करता आया हूँ ना, तो मैंने यही चीज़ नोटिस करी है कि जिस वीडियो पर ऑडियंस का रिटेंशन अच्छा आता है, जैसे मान लो 10 मिनट की वीडियो लोगों ने 5-5 मिनट तक भी देखी है, तो वो वीडियो रहता है कि हाँ भाई ये अभी नहीं, अगले महीने नहीं, पर ये ग्रो मारेगी। तो शायद YouTube ना कभी सजेस्ट कराना शुरू कर देता है, और वो रिटेंशन टाइम ही देखता है, तो मुझे तो ऐसे ही लगता है। बाकी हाँ, स्केड्यूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसका ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, फेस कैम भाई स्टार्टिंग से ही करना, मतलब वरना मेरे वाला सीन हो जाएगा, 4 लाख सब्सक्राइबर कोई जानता नहीं है। तो फेस कैम भी करना, और ऑडियो की क्वालिटी देखो, रूम वूम बंद करके अच्छी क्वालिटी, जितनी मैक्स क्वालिटी हो सकती है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करो। अच्छे खासे मतलब यूट्यूब पे बंदे वीडियोस डालते हैं, नॉर्मल कैमरे से लाइट्स का सेटअप करके अच्छी खासी क्वालिटी दे देते हैं। तो फेस कैम भी कर रहे हो तो पहले देख लो, अच्छे सेटअप कर लो, उसके बाद कंटेंट में मीन्स क्वालिटी होगी तो ही बंदों को देखने में मजा आएगा, फिर वो तुम्हारी 5 मिनट की वीडियो 3 मिनट तक देखेंगे, फिर सजेस्ट होएगी, फिर आप यूट्यूबर बन जाओगे। अलग अलग टाइप की गेम्स ना मैंने बहुत ज़्यादा खेलना शुरू करा, और मैंने क्या ट्राई करा, एक स्ट्रैटेजी है जो कि सबको मैं बताऊंगा तो पक्का कुछ ना कुछ तो काम आएगी। देखो, जो भी बंदों की गेम जैसे मोस्ट पॉपुलर जाती है, जो बंदे देखते हैं ऐसे किसी बंदे की वीडियो, कोई अपना इंडियन गेमर ही होगा, उसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ है उस वीडियो पर, तो मैं क्या करता हूँ उसी को ना फॉलो करता हूँ। मैं ये नहीं करता उसकी वीडियो उठा के डाल दिया, ऐसे आज के टाइम पे बहुत बंदे करते हैं वीडियो उठा के डाल, वो गलत चीज़ है। तो मैंने क्या करा, उसी वीडियो को मैंने ना उससे बेटर बनाने की कोशिश करी जिसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने बहुत लगाई है, जैसे अगर बाहर कोई बंदा गेम खेल रहा है, जैसे वो पबजी के गेम प्ले डाल रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो 33 किल निकाल रहा है, तो मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं इससे बेस्ट गेम प्ले निकाल के डालूं। तो मैंने कुछ इस टाइप का करा, जैसे उसने कोई एक गेम खेली है सेम वैसी, मैंने वही उसी गेम को खेला, बट मैंने कोशिश करा मैं सेम ऐसी वीडियो बनाऊं, बट इससे बेस्ट करूं मैं वही चीज़ जो उसने करी है, क्योंकि उसको देखा है किसी कुछ ना कुछ करके ऑडियंस ने, कुछ बेस्ट होगा उसमें तो ही देखा है। तो मैंने वो स्ट्रैटेजी बहुत लगाई कि यही चीज़ करूं पर इससे बेस्ट लेवल पर, ताकि ऑडियंस को और मजा आए। तो स्टार्टिंग मैंने बड़े क्रिएटर्स को फॉलो करा था, जैसे जेली हो गए, टिपिकल गेमर, और अपने इंडिया के भी काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं, मिथ पैट को देख के मैंने हैप्पी व्हील्स खेली थी, और भी मतलब बहुत सारे गेमर्स हैं जिसको मैंने फॉलो करा था स्टार्टिंग में, जो बड़े क्रिएटर्स हैं, जो मतलब कि इस जगह से गुजर चुके हैं, मतलब कि इस चीज़ को पार कर चुके हैं कि कैसे ऐसे आगे बढ़ना। मैंने उनको देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं,
ये नहीं कि बस जो मेरा मन कर रहा है मैं वही खेलता गया डालता गया, मैंने वो भी करा, अपना जो पैशन है वो भी पूरा फॉलो करा, और साथ के साथ इस चीज़ पर भी फोकस, क्योंकि करियर अगर इसमें बनाना ही है तो ढंग से काम करना पड़ेगा, पैशन भी फॉलो करना है ताकि हम इस काम से बोर ना हो जाए, और साथ के साथ मैंने उस चीज़ पर भी फोकस करा कि आखिरकार ये लोग ने क्या करा है। मैंने पता है उनके चैनल पर हज़ार हज़ार वीडियोज़ में पूरी देख रहा हूँ कि इन्होंने शुरू से लेकर अब तक क्या डाला है, तो मैं उनका पूरा समझा मैंने इन्होंने क्या करा है, और मैंने देखा कि हाँ भाई इस बंदे ने एक गेम खेली थी, उसको इतने सारे लोगों ने देखा है, उस पर लाइक करे अच्छे खासे, तो इस गेम में क्या बेस्ट था, मैंने देखी उसकी वीडियो, तो समझ आया ये बेस्ट था, मैंने सोचा मैं इससे बेस्ट बनाता हूँ, फिर देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो मैंने स्टार्टिंग से ये बहुत किया, धीरे धीरे कर करके ऐसे मतलब वीडियोज़ डाली, अगली डाली अगली डाली, से करते 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 जब मेरी 500 वीडियोज़ कंप्लीट हो गई, 300-400, तो जो एक आया ना कॉन्फिडेंस लेवल, तो वो एकदम नेक्स्ट लेवल था। कुछ कुछ बंदों को होता है उन्हें मेरे को ये एकदम मेंटेलिटी थी कि यार वो मेरा दोस्त क्या बोलेगा, वो यार वो उसने देख ली तो वो क्या बोलेगा, तो बस हमें यही दूर करना है, वो अब आप 300 वीडियो बाद दूर करो, मतलब जितनी जल्दी दूर कर दोगे बेटर है, पहली वीडियो से ही दूर कर दो, वरना बाद में मेरी तरह अपनी पुरानी वीडियो देख के ऐसे हो गए। तो वही है, मतलब पहले जो फेस कैम था उसमें यूं बैठा हुआ था एकदम ऐसे, तो काफ़ी अजीब सा था। तो मतलब यही एक मेंटालिटी थी कि यार उसने दोस्त ने देख ली तो वो हंसेगा, या उसने देख ली तो हमें ये सबना भुलाना पड़ेगा भाई, भाड़ में जाए दोस्त, भाड़ में जाए रिश्तेदार, हम जैसे रहते हैं वैसे ही रहकर बोलना है पूरा, अगर नॉर्मल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, और जैसे होता है ना बंदों को पता होता है कि हाँ भाई मैं इस चीज़ को ऐसे ग्रो हो गया, ऐसे GTA मैंने खेली तो मैं ग्रो हो गया अच्छा खासा, तो मेरे को लगता है कि जो बाकी से यूनिक बनाती है वो यही है कि जो GTA में कंसेप्ट लाया था ना एकदम अलग से, खुद की एक स्टोरी लाइन क्रिएट करने का, जैसे आपने वेब सीरीज देखी होगी ना, नॉर्मल जो वेब सीरीज चलती है उसमें एकदम अलग लेवल कहानी होती है, तो वो मैंने उसको GTA में, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पे तो मैं जाऊंगा नहीं सीधा, तो मैंने उसको GTA में रिप्रेजेंट करा, मेरे दिमाग में कहानी चल रही थी कुछ बंदों को लेकर कि एक ऐसे बंदा है ऐसे आके मार देगा, अभी भी मेरे दिमाग में कहानी है, मेरे को एनिमे एक सीरीज बनानी है और वो स्टोरी बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाली है, मतलब बड़ों को पसंद आएगी लड़कियों को पसंद आएगी उसकी गारंटी मेरे को बिल्कुल नहीं है, पर जो इस एज के बंदे हैं ना, मेरी एज के जो मतलब कि 30 से कम कम के बंदे हैं ना, और जिनको गेमिंग का थोड़ा बहुत या फिर स्मार्टफोन का आज के डिजिटल वर्ल्ड का नॉलेज है ना, वो उनको तो बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि मैंने अपने भाई को और एक दोस्त को बताई थी, तो वो तो कह रहे थे कि भाई कैसे सोच ली है, तो थोड़ा सा अलग सीन है। टिप नहीं है ये, एक टाइप से सही बात है कि अपने पेरेंट्स को बहुत फोर्स करना कि मेरे को ना पहले एक डिवाइस दिला दो, मैंने टिप्स पता कर ली है, अब बस मैं यूट्यूबर बनूंगा, मेरे को एक इतने रुपए का कंप्यूटर चाहिए, तो ऐसा मत करना भाई, देखो जो है उसी में स्टार्ट करो, क्योंकि पेरेंट्स को मान लो अगर आपने बोल दिया फॉर एग्जांपल कि हाँ भाई मेरे को ना पापा 1.5 लाख का ये 1.5 लाख नहीं बहुत बोल दिया 50,000 का ये कंप्यूटर दिला दो और मैं फिर एक यूट्यूबर बनकर दिखाऊंगा आपको और फिर यहाँ से पैसे कमाऊंगा, मेरा बिजनेस सेट हो जाएगा, मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ रहा हूँ, तो भाई ये कभी मत करना, क्योंकि जरूरी नहीं है इस टिप्स को फॉलो कर आप 100% बन जाओगे भाई, देखो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है सबका, मतलब कि ना कंटेंट ये नहीं है कि चलेगा ही चलेगा यूट्यूब पे, तो साथ के साथ अपनी पढ़ाई भी करना, और पेरेंट्स को भाई बिल्कुल फोर्स मत करना कि पहले मेरे को भाई फ़ोन दिलाओ ये दिलाओ फिर मैं यूट्यूबर बनूंगा, जो है उसी में स्टार्ट करो, उन्हें पार्ट टाइम मतलब जो आपका फ्री टाइम बच रहा है उसमें ही इतना यूट्यूब करके उन्हें कुछ ना कुछ प्रूफ करके दिखाओ कि हाँ देखो अब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, ये मैंने खुद से वीडियोज़ डाल के करे हैं, अब आप मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करो, जब आपको लग जाए ना कि अब आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, और जो आपके पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे वो वेस्ट नहीं जाएगा, तब उनसे सपोर्ट मांगना है, स्टार्टिंग में नहीं भाई।